हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बंदर भगाने के लिए हमने लगाई थी। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकालता है। अगर इसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो ये उसको सेंस करके उसके सामने अजीब अजीब वो आवाज़ें निकालता है। ये देखिए, कभी टाइगर की, कभी बंदूक की। ये देखिए, कभी बंदूक की, कभी कुत्ते की आवाज़ भी देता है। ये खुद ब खुद चेंज होती रहती है इसमें साउंड्स। तो ये 5 से 6 पीस हमने लगाए थे, 2 साल हो चुके इसको लगा के। पर हमारे यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही, तो इसकी बैटरी डाउन हो जाती है बार बार, तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे पेड़ की छांव होगी या कभी जैसे क्लाउडी हो गया मौसम, तो इस तरह से इसकी बैटरी डेड हो जाती है। तो अदरवाइज़ तो अगर धूप अच्छी मिले तो प्रॉपर पूरा दिन ये काम कर लेता है। इससे छुटपुट थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि अगर इसकी ये बोलना शुरू कर जाए, आवाज़ें शुरू आ जाए, तो इसकी दूर तक, घर तक हमें आवाज़ सुनाई देती थी पहले। क्योंकि अब इसका थोड़ा सा धूप नहीं मिल पा रही है, जैसे जब यहाँ पे पत्तियाँ निकल आती है और जैसे बरसात शुरू हो जाती है, तो क्लाउडी मौसम होने के की वजह से इसमें धूप नहीं मिल पाती इसको। तो नहीं तो हमें इसका आइडिया मिल जाता था, जैसे घर पे बैठे होते थे तो जैसे ये आवाज़ करना शुरू कर देता था तो हम भी थोड़े चौकन्ने होकर एक विज़िट कर सकते थे बगीचे की तरफ कि कोई मूवमेंट है यहाँ पे बंदरों की। फ़िलहाल बंदर तो मुझे लगा है कि इससे नहीं डरते, पर थोड़े से स्ट्रिक्ट ज़रूर रहते हैं बंदर की ये क्या चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा बंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि इसकी जब मूवमेंट नहीं होगी तो बंदर समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये है कि इसकी बदौलत अगर ये प्रॉपर काम करे तो हमें घर बैठ के अंदाज़ा लग सकता है कि कोई मूवमेंट हो रही है, तो हम अपने बगीचों की तरफ आ सकते हैं जब इनकी आवाज़ हमें हमारे घर तक सुनाई देगी। तो इस तरह से ये काम करता है, जैसे इसके सामने कोई भी चीज़ आएगी, ये देखिए ये एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।